जब जब मोदी सरकार पर आती है मुश्किल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती देती है मोदी का साथ। कभी राष्ट्रपति चुनाव में दिया था मोदी का साथ, अब एक और मुद्दे पर माया आई मोदी के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां पिछले कई सालों से लगी हुई हैं, लेकिन किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो अकेले दम पर मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंके। इसलिए अब आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दर्जन से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने पहले तो विरोधियों के इस गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया और अब एक और अहम मुद्दे पर मोदी का समर्थन करते हुए विरोधियों को जबरदस्त झटका दे दिया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले ही पीएम मोदी ने आखिरी ब्रह्मास्त्र चल दिया है, जिससे सियासी विरोधियों के खेमे में जबरदस्त खलबली मची हुई है, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे पिछली कई सरकारों ने लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई और अब ये काम भी पीएम मोदी के जिम्मे आया है, जिस पर मोदी सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। तभी तो कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाकर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऐसी बात बोल दी जिससे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। पीएम मोदी ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र छेड़ा, देश की तमाम सियासी पार्टियों में जैसे हड़कंप मच गया। और वैसे जैसे नेताओं के साथ ही कांग्रेस जेडीयू जैसी सियासी पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की चार बार की मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर मोदी सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा, इस विशाल आबादी वाले भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी और बौद्ध जैसे कई धर्मों को मानने वाले लोग, जिनके हर मामले में रहन सहन और जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग तौर तरीके, नियम और रस्मों रिवाज हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजे हैं,
जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है। बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन और विरोध की है तो मायावती ने तो साफ बता दिया है कि वो UCC के समर्थन में है। लेकिन एक मझी हुई विपक्षी नेता के तौर पर उन्होंने ये बात भी कही कि जिस तरीके से BJP UCC लागू करना चाहती है वो तरीका BSP को पसंद नहीं है। संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर BJP को देश में UCC को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि UCC को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है, जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। जब से पीएम मोदी ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र छेड़ा है कई विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ उतर गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर दिया है और ये कोई पहली बार नहीं है जब मुश्किल में फंसे मोदी का मायावती ने साथ दिया हो। इससे पहले जब देश में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था और मोदी सरकार ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था तो उस वक्त भी कांग्रेस सपा जैसी तमाम पार्टियां मोदी सरकार के विरोध में उतर गई थी और यशवंत सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया था। लेकिन BSP सुप्रीमो मायावती ने विपक्ष के इस एजेंडे में उसका साथ देने के बजाय मोदी सरकार के समर्थन में उतर गई थी। इतना ही नहीं, बिहार में जब CM नीतीश कुमार 16-17 विपक्षी पार्टियों को जुटाकर मोदी को हराने का प्लान बना रहे थे तो उस वक्त भी मायावती ने विपक्षियों के इस गुट से दूरी बना ली थी और अकेले ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। यानी मायावती की पार्टी BSP भले विपक्ष में हो लेकिन बात जब देश के मुद्दे की आती है तो कई मौके पर BSP मोदी सरकार का समर्थन करती रही है और इस बार जिस तरह से मायावती ने UCC पर भी मोदी सरकार का समर्थन किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में UCC पर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन है ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है
उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है, वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में, मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं, मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन है, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, बिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है, पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने के में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए, जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी।